हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सागर और आप देख रहे हो एग्जाम सब चैनल। दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, हमने आपके सामने अभी ओपन किया हुआ है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती लैंग्वेज यूनिवर्सिटी, जो कि लखनऊ में है, जो कि एक स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है। दोस्तों, यहाँ से मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पर PhD एडमिशन का फॉर्म आए हुए थे और लास्ट मंथ ये फॉर्म आए थे, और इसका जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है वो 11 मई को होना था। ये डेट पहले से ही फिक्स थी और डेट में कोई भी चेंजेस नहीं हुए हैं। एडमिट कार्ड रिलीज़ कर दिया गया है और आप अपने सब्जेक्ट के एडमिट कार्ड को चेकआउट कर सकते हैं। मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे आपको अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करना होगा, ठीक है। उससे पहले मैं आपको ये भी बता दूँ कि यहाँ पर न्यू सेशन के लिए एडमिशन स्टार्ट हो चुके हैं। काफ़ी सारे कोर्सेज़ यहाँ पर होते हैं, आप देख सकते हैं। यहाँ पर फैकल्टी ऑफ आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज़ में काफ़ी सारे सब्जेक्ट हैं, फैकल्टी ऑफ साइंस भी है, फैकल्टी ऑफ फार्मेसी है, फैकल्टी ऑफ कॉमर्स है, फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी भी यहाँ पर अवेलेबल है। देन इसके बाद आप देखेंगे फैकल्टी ऑफ लीगल स्टडीज़ एंड फैकल्टी ऑफ सोशल साइंस भी यहाँ पर अवेलेबल है। इसके साथ में यहाँ पर UG डिप्लोमा, PG डिप्लोमा, सर्टिफिकेट कोर्सेज और PhD भी करवाया जाता है। तो जो लोग एडमिशन लेना चाहते हो, जिन लोगों ने अभी अपना 12th कंप्लीट किया है और यहाँ पर आप एडमिशन लेना चाहते हैं, तो आप ज़रूर से इस यूनिवर्सिटी में विजिट कर सकते हैं। फिलहाल मैं आपको बता दूं, यहाँ पर जब आप विजिट करेंगे इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर, जैसे ही आप ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करते हैं तो यहाँ पर आपके सामने ये पेज आएगा, और पेज जैसे ही ओपन होता है आपके सामने सबसे पहले तो इसका पॉपअप आ जाएगा जो अभी मैंने आपको दिखाया। ये देखिए, ये आपके सामने आ गया। फिर यहाँ पर आप जब आएंगे तो यहाँ पर आपको ये जो इसमें जो आपके सामने जो ये पॉपअप जो चल रहा है, लिंक फॉर एडमिट कार्ड रेगुलर एंड बैक पेपर एग्जामिनेशन, और इसी में ही आपको PhD एडमिशन से रिलेटेड जो है वो लिंक देखने को मिलेगा। इसको मैं भी आपको ओपन करके दिखा देता हूँ। तो दोस्तों, ये देखिए आपके सामने PhD एडमिशन प्रोसेस RET 2024 आ गया है। इस पर क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद ओके पर क्लिक करिए। ओके पर क्लिक करने के बाद आपके सामने ये पोर्टल आपके लिए ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये देखिए रिसर्च मेथोडोलॉजी फैकल्टी साइंस, कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आई थिंक इन्होंने सिलेबस अपडेट कर दिया है। ये आप देख सकते हैं, ये आप सिलेबस देख सकते हैं। सब्जेक्ट वाइज यहाँ पर सब्जेक्ट जो है सिलेबस जो है वो यहाँ पर शो कर दिया गया है। प्रिंट एडमिट कार्ड का आपके सामने लिंक आ रहा है, इसको आपको ओपन कर लेना है। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये इस तरह से आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड होगा। यहाँ पर आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और फोन नंबर डालेंगे और सबमिट करते ही आपके सामने आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड हो जाएगा। उसमें आपको सेंटर नंबर, टाइमिंग की बात करें तो दोपहर 2 बजे की टाइमिंग है, मैं आपको बता दूं। और जब आप डाउनलोड करेंगे तो आप उसमें आपको पता चल जाएगा कि आपकी टाइमिंग क्या है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो सिलेबस है वो रिसर्च मेथोडोलॉजी फैकल्टी साइंस के लिए यहाँ पर इन्होंने डाला हुआ है। रिसर्च मेथोडोलॉजी फैकल्टी ऑफ सोशल साइंस है, जिसमें इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, होम साइंस, जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, फिजिकल एजुकेशन एंड एजुकेशन सब्जेक्ट का भी यहाँ पे पढ़ा हुआ है। रिसर्च मेथोडोलॉजी और भी सब्जेक्ट्स की पढ़ी हुई है, मतलब इन्होंने सभी सब्जेक्ट की जो मेथोडोलॉजीज़ हैं रिसर्च मेथोडोलॉजी वो यहाँ पर डाल दी है। तो एक बार हम अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड इसको ओपन करके देख लेते हैं कि क्या सिलेबस है इनका। तो इसको हम ओपन कर ले रहे हैं और देखकर आपको बताते हैं। यहाँ पर रिसर्च मेथोडोलॉजी हमने ओपन की है फैकल्टी ऑफ सोशल साइंस वाली, ठीक। तो सोशल साइंस में आप देख सकते हैं, ये देखिए रैशनल ऑफ रिसर्च, आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम, रिसर्च ऑब्जेक्टिव, टाइप्स ऑफ रिसर्च, फंडामेंटल, अप्लाइड, एक्शन, क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव रिसर्च, ये सब पढ़नी है आपको। देन रिव्यू लिटरेचर के बारे में पढ़ना है क्या होता है, मेथड्स ऑफ रिसर्च पढ़ने हैं हमें। इसके बाद सैम्पलिंग ऑफ डेटा के बारे में पढ़ना है, कलेक्शन ऑफ डेटा, एनालिसिस ऑफ डेटा। इसके बाद रिपोर्ट प्रिपरेशन कैसे होती है, इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन आएंगे, और रिसर्च एथिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके रिसर्च मेथोडोलॉजी में। तो यहाँ से आप प्रिपरेशन कर सकते हैं, और बाकी तो आपको अपना सब्जेक्ट पढ़ना ही पड़ेगा। और अपने एडमिट कार्ड को डाउनलोड करके रख लें, एडमिट कार्ड रिलीज़ कर दिया गया है, उसका प्रिंट निकलवा के अपने पास रखें, और एक ओरिजिनल फोटो ID प्रूफ जो है आपको लेकर के साथ में जाना होगा। उसके अलावा आपको वहाँ पर ब्लैक बॉल पॉइंट पेन का यूज़ करना होगा OMR को फिल करने के लिए। ये सारी डिटेल्स एडमिट कार्ड पर ही लिखी हुई हैं, जब आप डाउनलोड करेंगे तो आप वहाँ से उसको पढ़ पाएंगे। तो आई होप आपको वीडियो क्लियर होगा, सारी जानकारी दी गई आपको समझ में आ गई होगी। तो अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लीजिए और अपनी प्रिपरेशन को जारी रखिए। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में अगली इन्फॉर्मेशन के साथ में। तब तक के लिए टेक केयर एंड जय हिंद।